या स्क्वायर में। अब मतलब एक सवाल आता है कि ये सरफेस प्लेट क्यों बनाया जाता है। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए, जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्यों सर। जब हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम पढ़ के करेंगे क्या। तो हमारा एक गोल होता है, जैसे हम पढ़ रहे तो हमारा एक गोल है, नहीं जॉब लेना है या कुछ और करना है, बिजनेस करना है या हमारे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना मेरे जैसा कोई है कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सबका लक्ष्य होता है कुछ ना कुछ। तो बस इसका भी जैसे सरफेस प्लेट का नाम है तो क्यों हमारे दिमाग में क्यों होना चाहिए, क्यों पढ़ेंगे सर। तो सरफेस प्लेट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना फ्लैट है। अब यहां से देखेंगे हम, यहां से एयर मतलब ऐसे दिख जाएगा तो ये फ्लैट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कैप इसको रोक रहा है। तो इसको अगर देखेंगे तो देखेंगे ये बीच वाला फ्लैट है, फ्लैट है। यहां से वहां पे एक मार्कर होगा पीछे से, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब इसलिए बनाया जाता है कि इसको एक इसमें फ्लैटनेस या ट्रूनेस चेक करते हैं हम लोग। फ्लैटनेस मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसका फ्लैटनेस चेक करना है, तो ऐसे रखें ये फ्लैट है या नहीं, या ये जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ये ट्रू है या नहीं, ये चीज हमको जानना होता है। अब ये बना किस चीज का होता है ये पता चल गया कि क्यों हमको जरूरी है, तो हम फ्लैटनेस या ट्रूनेस चेक करते हैं। इससे एंगल भी मेजर करते हैं, जैसे वी ब्लॉक का एंगल या साइन बार का एंगल। उसके अलावा जब ये स्क्वायर प्लेट है तो ये बना किस चीज का है, तो हमने बताया था आपको ये कास्ट आयरन का बना होता है, सेरामिक का बना होता है, ग्लास का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। हमने बताया ग्रेफाइट का ज्यादा बनाया जाता है क्योंकि इस पर डेंट नहीं होता, जैसे कि कास्ट आयरन का बनाया गया तो होता कि इसको उठा के उधर ले गए, उधर से इधर लाए तो ये डेंट हो गया। ये खुद अपने आप में एक फ्लैट नहीं है, दूसरे क्या चेक करेगा इस पर। हम जब खुद परिपूर्ण नहीं है दूसरा को बोल रहे हैं परिपूर्ण आप हो जाइए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कास्ट आयरन का भी बना हुआ है, इस पर हम जनरली क्या करते हैं, एज ए रिफरेंस प्लेन के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है, या डेटम सरफेस के रूप में। मान लो कि कोई भी मेटल है या कोई भी सरफेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें हम देखते हैं कि फ्लैट है या नहीं, उन चीजों को हम चेक करते हैं इस पे। तो इसका भी हमको लगता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई इश्यू है किसी को? नहीं, कोई इशू भी है? हाँ बिल्कुल है इसमें, क्योंकि इसको इधर उधर उठा उठा के रखा गया है, इसमें आ गया है, लेकिन होता कैसा है तो नहीं के बराबर। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल फ्लैट होता होगा ये, इसको हम एज ए रिफरेंस प्लेन के रूप में अगर फ्लैट मान रहे थे, है ये फ्लैट, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अब जिस ऑब्जेक्ट मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है इसमें ज्यादा हमको एक्यूरेसी नहीं चाहिए, लेकिन ये फ्लैट होना चाहिए। मान लो जैसे कि ये सबसे सिंपल सा उदाहरण है कि इसको हमको फ्लैट दिखाना है। अब ये फ्लैट तो है नहीं, नहीं है ना, इसको सीधा ऐसे रखेंगे तब फ्लैट होगा, ठीक है, इसको सीधा करेंगे फ्लैट हो जाएगा। जहां पर ज्यादा एक्यूरेसी हमको नहीं है वहां पर तो चेक कर सकते हैं, वो हम जान रहे मैक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे, कहीं पर उठाकर इसको रखा गया होगा, पटका गया होगा, तो थोड़ा बहुत डेंट इसमें आ गया होगा, ठीक है। तो ये मतलब छोटा सा एक टॉपिक था जिसके बारे में हम बताए। तो अभी तक हम बता चुके हैं सरफेस प्लेट के बारे में, और ये सीट बेंडिंग या सीट रोलिंग मशीन के बारे में, बेंच ग्राइंडर के बारे में, और गैस वेल्डिंग के बारे में। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, आज का यही